गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज मेरा हो चुका है 322 दिन और अभी मैं द्वारका में ही हूँ। कल रात मैं था बेट द्वारका में, वहाँ से कल गया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, आठवां ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हो गया और अभी मैं फिर से द्वारका पहुँचा था वो डॉक्टर के खोजने के लिए कि डॉक्टर मिले तो इलाज कराएंगे, लेकिन यहाँ वैसा डॉक्टर मिला नहीं। और कल रात मैं यहाँ पे एक डॉर्मेट्री था, अब सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं तो इस तरह का चीज़ तो लेना ही पड़ेगा, तो डॉर्मेट्री के अंदर रहे थे, एसी वाला डॉर्मेट्री था और उसमें 350 रुपया लगा था रहने का किराया, रात में रहे थे। और यहाँ से जा रहे हैं अब पोरबंदर, पोरबंदर के बाद मिलेगा हमारा सोमनाथ, नौवां ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा मेरा नौवां ज्योतिर्लिंग का। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, यहाँ से पोरबंदर पहुँचना है मुझे। ऐसे तो एम मैं कभी नहीं रखा हूँ लेकिन आज का एम रखा हूँ 101 किलोमीटर, क्योंकि चलाना है वहीं पे जाके रेस्ट वेस्ट करना है, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा क्योंकि सिटी है। तो चलिए पोरबंदर की ओर चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये था धर्मशाला, देख सकते हो ये गेट है। सवेरे सवेरे द्वारका से चल रहे हैं और ये खाने का भी सिस्टम कुछ है नहीं, नाश्ता में तेल वाला सब चीज़ है। तो यहाँ पे एक नारियल का शॉप मिला है तो नारियल पी लेते हैं और इसमें जो निकलेगा मलाई वो भी खा लेंगे। ये सब कभी कभी पीना चाहिए, सेहत के लिए में ज़रूरी होता है। में रहेगा तो दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, बाकी चलते चलते कुछ मिलेगा तो नाश्ता करेंगे। फिलहाल अभी बज चुका है सुबह के 9:10 के आसपास में हो चुका है और आज चौथा धाम का भी दर्शन हो गया, बहुत ही अच्छा लगा द्वारकाधीश। ओ, बहुत कम यार। द्वारका से जब से चला हूँ ना सुबह से, अभी देखो 12:13 हो चुका है और पोरबंदर वाले रास्ते में यानी कि सोमनाथ वाले रास्ते में ना ही कोई दुकान है दूर दूर तक और ना कोई पेट्रोल पंप कि जहाँ से पानी भर सके। सुबह से पानी भी नहीं पिया है, पानी का जो बोतल है देख सकते हो, झूठ नहीं बोला, ख़त्म हो गया। पानी अब कहीं भरने के लिए भी नहीं मिल रहा है, ना ही कोई दुकान मिल रहा है जहाँ से ख़रीद पाऊँ, और खाना भी नहीं कुछ खाया है। सवेरे जहाँ चला था उधर सिस्टम 11 वाला का था। ओफ़, एनर्जी बिल्कुल डाउन है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। कब से सोच रहा हूँ मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा भाई। सामने एक छोटा सा दुकान दिख रहा है, चल के देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। ये देखो एक दुकान तो दिखा है, पास में चलते हैं, चलो देखते हैं। दीजिए दीजिए बड़ा वाला, हाँ चलो पानी तो मिल गया यहाँ पे। बहुत दूर चलने के बाद एक होटल मिला है और होटल मिला भी तो बहुत ही बड़ा और लग्जरी होटल है देख सकते हो। तो चल के देखते हैं कुछ सस्ता इसमें कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, देख लो
बहुत ही झकास लग रहा है बाकी अंदर चलने के बाद। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कुछ कोल्ड ड्रिंक और पानी दे दिया, बस यहीं पे थे वो और चले गए, तो बहुत ही अच्छा। चलो देखते हैं कुछ खाते हैं यार। उस होटल से खाना खाने के बाद बहुत दूर तक चला और एक पीपल का पेड़ मिला। देहूक तो देख ही रहे होंगे कितना तेज हो चुका है, बरगद का पेड़ है और एक मंदिर भी है, तो यहाँ पे छांव है, तो थोड़ा देर बैठ के रेस्ट भी कर लेते हैं और ब्लॉग भी एडिटिंग कर लेंगे। होटल वाला जो व्यक्ति था उसने पैसा नहीं लिया, हालांकि खाना वहाँ का बहुत महंगा था, लेकिन अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं तो उधर ही गए थे। 130 रुपये प्लेट चावल था, जिसमें मैंने 1.5 प्लेट चावल लिया और दाल 75 रुपये का दाल था, तो खाना खा लिया और पैसा देने लगा तो होटल वाले ने मना कर दिया, बोला कि रहने दो नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम कभी कभी चल ही जाता है। और अभी अभी मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बहुत कुछ अभी बताया, बोला कि क्या क्यों कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, घर में रहते काम करते भाई। पुराने जनरेशन के लोगों को मैं क्या ही समझा सकता हूँ, हम जो कर रहे हैं क्या आपको नहीं लगता इससे कुछ रिजल्ट आने वाला है? मैं सीख रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, ट्रेवल करना मेरा शौक है, शौक भी पूरा हो जाएगा, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सोशल मीडिया में प्रोग्रेस भी हो जाएगा। क्या सोशल मीडिया से लोग आज पैसे नहीं कमा रहे? ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, सब एक एक्सपीरियंस है, उन अंकल जी को कुछ पता नहीं था, बाकी कोई नहीं। यहाँ पे बैठते हैं और रेस्ट वेस्ट करते हैं, ब्लॉग एडिट करके फिर राइड को कंटिन्यू रखेंगे। और सवेरे से अगर मैं देखूँ कि कितना किलोमीटर चल चुका हूँ, आज का टारगेट मैंने 101 किलोमीटर रखा था, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता नहीं है, रोड भी अप डाउन आ जाता है जब टारगेट रखो तो, और खाना पीना नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। बाकी अभी सुबह से हम 32 किलोमीटर चल चुके हैं, 70 किलोमीटर और चलना है, धूप में तो चलना पॉसिबल नहीं है। बैठते हैं थोड़ा देर। प्रबंधन यहाँ से 61 किलोमीटर और बचा है, देखते हैं, 5:30 बज चुका है, देखते हैं आज पहुँच पाते हैं कि नहीं। आज तो बहुत ज़्यादा स्पीड में साइकिलिंग किया है और करना ही पड़ेगा, देखते हैं आज पहुँच पाते हैं कि नहीं। हाँ शाम के 7 बजा है अभी और अंधेरा हो गया, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा आश्रम मिल गया, मेरे पीछे देख सकते हैं, तो यहीं पे रुक गया। पोरबंदर का डिस्टेंस यहाँ से 50 किलोमीटर बचा है यार। आज तो सोचा था कि मैंने पूरा कर दूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट से भी राइड को स्टार्ट किया था और इधर खाना मनपसंद, मतलब मनपसंद तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो मैंने खाने का आदत है उस तरह खाना ना मिलने की वजह से, कम खाना खाने की वजह से थोड़ा वीकनेस टाइप का हो गया, इस वजह से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो आश्रम में आज रह लेते हैं, कल तो कन्फर्म पहुँच ही जाएंगे पोरबंदर, तो आज तो किसी भी तरीका से रहना ही होगा। और बार बार वो घाव वाला चीज़ आपको क्या ही दिखाएं, देख लिया आपने ना। बाकी ये देखो साइकिल और ये आश्रम, तो चलते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, मिलते हैं। तो नहा धोवा करके फाइनली रेडी हो चुके हैं और आश्रम में ही है और खाना भी खा रहे हैं यहाँ पे बाबा के साथ में, ये खा रहे हैं खाना और बाबा जी हैं। तो यहाँ का एड्रेस बताइए बाबा। ये द्वारका पोरबंदर हाईवे रोड, हाँ, पातिया आदेश आश्रम, संतोष झा जी है, नाथ जी का आश्रम, जी जी, हाँ आदेश आश्रम, बहुत द्वारका पोरबंदर हाईवे रोड। तो बाबा ने यहाँ पे हमें रुकने के लिए दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। चलिए खाना पीना खाते हैं और यहीं पे सो जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें, मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।